हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग करने वाले हैं काइनेमैटिक्स में टू डायमेंशनल वाले जो प्रॉब्लम थे, टू डी मोशन था, उस टू डी मोशन पे 31 ईयर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब पूरा देख लोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे, आपको ये बात पता चलेगा यार कि बहुत सारे क्वेश्चन तो सिमिलर थे। ठीक है, तो उस सिमिलरिटी से हम एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये 2019 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये 2019 में आया था। कहता है कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और इस टाइप से मोशन कर रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और उसका जो रेडियस वेक्टर है वो 3 मीटर है, और जो टाइम पीरियड है एक साइकिल में जो टाइम लगेगा वो 4 सेकेंड है, और जो मोशन है वहाँ पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। दिस इज द पॉइंट पी, ये एक स्पेशल पॉइंट है, दैट इज पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसमें से कहता है वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर रोटिंग, वाई का प्रोजेक्शन निकालना, वाई का प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टिंग ऑफ रोटिंग पार्टिकल टी टाइम बाद। देखो टी टाइम बाद वाई का, ठीक है, वाई एक्चुअली जब पार्टिकल मोशन करेगा, तो देखो जब पार्टिकल मोशन करेगा तो तुम देख रहे हो एक्स भी वेरी करेगा, वाई भी वेरी करेगा। ठीक है, तो टी टाइम बाद वाई जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसका एक इक्वेशन निकालना है यार कुल मिला के। ठीक है, अब इसको आप SHM लास्ट जो यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ रहेगा, लेट अस कंसीडर टी टाइम बाद पार्टिकल अपना यहाँ पे आ गया, टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ है, और यहाँ एक्स और वाई उसका कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक टाइम टी बीत चुका है, और ये जो एंगल ट्रेस कर चुका है वो है थीटा। थीटा यहाँ से मेजरमेंट होगा वर्टिकल से, इस टाइप से। ठीक है, तो हमें वाई चाहिए यार, तो ये जो वाई है वो कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा। ठीक है ना, आर कॉस थीटा, अगर ये वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा आ जाएगी, तो आर जो है वो 3 है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर्कुलर मोशन में, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी, क्लियर है। चलो, तो टाइम पीरियड दिया है ना 4 सेकेंड, तो 2π और 4 यहाँ डाल दूँ और स्मॉल टी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पाई बाई 2 और टी कुल मिला के उसको वहाँ डाल दोगे, तो इक्वेशन बनेगा 3 cos π t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन अगर इसको तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन से करना चाहते हो अभी, ठीक है, जो लास्ट यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल इस टाइप से सर्कल में चलता है और मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस सर्कुलर मोशन को अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, इसका वाई डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टाइप का ग्राफ आता है, और ये जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड जो है वो रेडियस होता है। ठीक है, और इसका इक्वेशन हमें रटा रटाया है, याद है, जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, बात वही है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, वो ये उसी से आया है यार। ठीक है, बढ़िया है कि इसको ग्राफिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दे, और ए की वैल्यू यहाँ 3 है, और कॉस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पाई टी रख के इसको सॉल्व कर लो 2, इस तरह से भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो दूसरा है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल टी टाइम बाद, कोई पार्टिकल है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका एक्स भी बदल रहा वाई भी बदल रहा, तो टू डायमेंशनल का ये प्रॉब्लम ही है। अब कहता है मतलब उसका एक्सलेशन निकालना है 2 सेकेंड बाद। आपको पता है जब टू डायमेंशनल मोशन होती है तो पार्टिकल का एक्स भी बदलता है, वाई भी बदलता है, या कोई भी दो कोऑर्डिनेट बदलता है, तो ऐसा हो सकता है इसका एक्स में भी वेलोसिटी हो, वाई में भी वेलोसिटी हो, तो हो सकता है एक्स में भी एक्सलेशन हो, वाई में भी एक्सलेशन हो,
तो नेट एक्सलेशन कितना होगा यार, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर रिजल्टेंट, है ना भाई, टू डायमेंशनल मोशन यही तो होता है। तो चलो, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, 5t - 2t2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है यार 10t। तो सबसे पहले मैं, अगर कोई पार्टिकल है टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मान लो उसका एक्स एक्सिस में एक्सलेशन ए एक्स है और वाई एक्सिस में एक्सलेशन ए वाई है, तो अब उस पार्टिकल का नेट एक्सलेशन कितना होगा यार बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। उसी तरह से वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट ले लेंगे, ठीक है भाई। वन डायमेंशनल था तो एक ही होगा करता था, अब दो दो हो गए ना, हो सकता है। चलो, अब इसको एक वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी आएगी, डी एक्स ओवर डी टी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 4t, है ना। आई होप कि डिफ्रेंशिएशन सभी को आता होगा भाई, इतना तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। वेलोसिटी इन वाई एक्सिस आ जाएगा बोलो 4dy/dt, 4 10 आ जाएगा। चलो, अब एक्सलेशन निकालना, हमें तो चाहिए एक्सलेशन, अगर वेलोसिटी पूछता तो यहीं पे इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते। एक्सलेशन इन एक्स एक्सिस में कितना आएगा, वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, -4 आ जाएगा, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई एक्सिस में तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता। देखो, मोशन तो टू डायमेंशनल है, क्यों, क्योंकि यार एक्स भी बदल रहा है और वाई जो है वो कॉन्स्टेंट है, टी टाइम पे वाई भी बदल रहा है, ठीक है, वाई भी बदल रहा है, एक्स भी बदल रहा है, तो टू डायमेंशनल मोशन है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टू डायमेंशनल मोशन में किसी पर्टिकुलर एक्सिस में एक्सलेशन होगा ही होगा, किसी पर्टिकुलर एक्सिस में एक्सलेशन 0 भी हो सकता है, पर यार किसी एक में तो रहेगा ही रहेगा, तो ये एक्स में है, ठीक है भाई। अगर पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, कर्व पे चल रहा है, ठीक है, बिकॉज टू डायमेंशनल मोशन कर्व पे ही होगा, स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं यार, तो टू डायमेंशनल मोशन अगर कर्व में होगा तो पार्टिकल के पास मिनिमम एक एक्सलेशन तो रहेगा ही रहेगा यार, है ना भाई। कर्व पे चलेगी तो वेलोसिटी बदलती है कर्व पे, कोई भी पार्टिकल कर्व पे चल रहा है, ठीक है, कर्व पे चल रहा है, ठीक है, तो उसकी तो वेलोसिटी हर मोमेंट बदल रही है। अब वेलोसिटी फिजिक्स में बदल रही है तो वेलोसिटी बदलेगा कौन यार, फोर्स लग रहा होगा, एक्सलेशन लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी बदल रही होगी। तो ये वाली इसकी वेलोसिटी बदल रहा है, ये जो एक्सलेशन है वो इसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस में, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक्स एक्सिस में एक्सलेशन 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्सलेशन होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस में एक्सलेशन दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक 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 तो होगा ही होगा यार, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है कौन सा भैया, -4 है कोई, तो नेट एक्सलेशन ए कितना आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर प्लस, और ये अंडर रूट, तो मैग्नीट्यूड में 4 m/s² रहेगा, और डायरेक्शन के साथ देखोगे तो -4, मतलब ये बी ऑप्शन सही है ना। चलो, अब ये कहता है, ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन का बेहतरीन एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसका रेडियस दिया हुआ है इन्होंने 15 m/s, 15 एक्सलेशन दिया हुआ, एक्सलेशन दिया हुआ है 15 m/s². टोटल एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल गिवन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, अब रेडियस एट, ये जो ए है ध्यान दे रहा है, ये टोटल एक्सलेशन है। अब पार्टिकल अगर सर्कल में चलता है तो मैं कितने एक्सलेशन हो सकते हैं, कितने एक्सलेशन हो सकते हैं, दो होगा यार। पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है तो दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक ही एक्सलेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो दो होते हैं, एक, ठीक है, दो होते हैं, एक सेंटर की तरफ होता है और एक किस टेंजेंशियल होता है अगर ऐसे चल रहा है तो, ठीक है। चलो, तो ये जो ए है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये कह रहा टोटल एक्सलेशन है ए, ऐसा कुछ। अब रेडियस 2 है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो हमें पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। इन द गिवन रिप्रेजेंट टोटल एक्सलेशन पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्पीड, तो स्पीड कैसे निकाला जाए
उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो तो अगर मैं स्पीड निकालूं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट यहाँ पर है, और उसका जो टोटल एक्सलेशन है रेडियस वेक्टर से, टोटल एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, जो कि रेडियस वेक्टर से 30 डिग्री पर है। क्लियर है? अब हमको पता है पहले से, हम लोगों को पता है पहले से इस टाइप का डायरेक्शन है, ठीक है। हम लोगों को पहले से पता है कि इस पॉइंट पर दो एक्सलेशन होता है, एक होता है 80 सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स पढ़े ना, और ये यहाँ पर होता है AC सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंटर की तरफ और एक होता है टेंजेंशियली, ये वेलोसिटी बदलने की वजह से होता है मैग्नीट्यूड में, और ये वेलोसिटी डायरेक्शन में बदलने, कुल मिला के इसके पास दो एक्सलेशन है यार, ठीक है। अब जो टोटल एक्सलेशन अगर वेक्टर वेक्टर से देखोगे तो इस एक्सलेशन के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, इस एक्सलेशन के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, एक जाएगा सेंटर की तरफ जो होगा a cos 30, और एक जाएगा इधर जो होगा a sin 30। हमें स्पीड चाहिए तो हमें स्पीड a cos 30 से ही निकल जाएगा। जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन आता है, जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन आता है उसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर ओवर rr, ठीक है। और यहां पर जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन आया वो a cos 30 आ गया बाय द कैलकुलेशन। अब यहां से अपनी भी साफ दिख रही है तो हम बहुत आसानी से यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहां सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें चाहिए भी स्पीड, तो भी का स्क्वायर इधर ही रहने, तो आर की वैल्यू डालो, आर कितना है 2.5 मीटर, ठीक है 2.5 मीटर, और ए क्या है टोटल एक्सलेशन, ये कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ ना, तो ये दिया हुआ 15, तो ये दिया हुआ 15, और ये cos 30 sin 60 √3/2। अब ये जो है वो सॉल्व कर लेना तुम, ये सब रूट के अंडर ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। मैं की देखूँ इसका, इसको सॉल्व करोगे तो 5.7 आएगा, जो कि सही है 5.7, इसको सॉल्व कर लेना, रूट में ले लेना, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वैक्टर, देखो दो वैक्टर हम लोग के पास, उनका सम डिफरेंस के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब वेक्टर ए, दो वेक्टर है हम लोगों के पास, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा होगा कुछ, तो इनका सम ए प्लस बी का सम, ठीक है, का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, इनका जो सम है वो डिफरेंस के इक्वल है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिफरेंस, मैग्नीट्यूड में इक्वल है भाई। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा निकालना है। तो अब आपको पता होगा, रिजल्टेंट वाला फार्मूला पढ़े होगे कि आर जो होता है, आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या होता है भैया, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट का सम होता है, ठीक है। तो ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जिसको वेक्टर नहीं आता है उसको फिजिक्स में समझ लो, उसको बहुत बड़ी आगे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, किसको, जिसको वेक्टर आता है, ठीक है। वेक्टोरियल नाम की बीमारी हो जाती है उसको, मेरे हिसाब से वेक्टर आपको आना ही चाहिए, वेक्टर इज द बॉस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। मैं उसको अपना बॉस बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, फिजिक्स में काम कैसे करोगे, स्केलर में करोगे और वेक्टर में करोगे, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जहाँ वेक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग कंसेप्चुअली मैथमेटिकली द वेक्टर, ठीक है। इसलिए पहले मैथमेटिकल टूल में वेक्टर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बेस है वो वेक्टर पे बना यार। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन वेक्टर। तो ये और ये और ये और ये, ठीक है। तो इधर बचा 4ab cos थीटा, और इधर गया भैया 0। तो अब क्या cos थीटा 0 हो गया, ऑब्वियसली 0 हो गया, क्योंकि 4ab 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। cos थीटा 0 तभी होगा जब cos थीटा की वैल्यू 90 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 है। ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल बोले तो परपेंडिकुलर है, ए और बी आपस में एक दूसरे से थीटा 90 डिग्री पर हैं,
ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे, ठीक है। चलो अब ये कहता है, एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया, देखा गया टू डायमेंशनल मोशन में, ऐसा क्वेश्चन बार बार आया है। ये पार्टिकल मूव करता है जिसका पोजिशन वैक्टर दिया हुआ है। अब जो पोजिशन वैक्टर है वो एक्स और वाई में दोनों में, मतलब एक्स भी बदल रहा वाई भी बदल रहा यार, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? चार स्टेटमेंट दे दिए गए, अब हम लोग यार चेक करना है कि विच वन इज द करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेक्ट है, क्या चेक करना हो तो ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजिशन वैक्टर एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर से मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और एक्सेलेरेशन भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा, ठीक है। और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलो पहले पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो है कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर एक्स प्लस साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी आप हाई होप कि सबको निकालने आता होगा, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, ठीक है। जब कभी भी पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी। तो इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी वाई डी टी डिफरेंशिएशन, जिसको नहीं आता है उसके लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, साइन ओमेगा टी और ये यूनिट वेक्टर वाई कैप, ठीक है। चलो यूनिट वेक्टर को लिखते चलते। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, साथ साथ ओमेगा टी भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल लगेगा, डी वाई डी टी, डी वाई डी टी ओमेगा टी, मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। तो ये माइनस डी प्लस यहाँ पे साइन ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन बोलो कॉस ओमेगा टी, और साथ साथ बेटा डी वाई डी टी ओमेगा टी भी डिफरेंशिएट होगा, दैट इज वाई कैप, ठीक है। अब एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। तो माइनस ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर वाई कैप, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये उसका टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी वेक्टर है और ये उसका टाइम डिपेंडेंट क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्या वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ये बात कैसे पता चलेगा फिजिक्स में कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं? हम क्या करते हैं, सबसे आसान जो अच्छा वाला रूल है, हम इसको डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दैट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब मैं ये क्या करूं कि आर डॉट वी ले लूं, आर डॉट वी ले लूं और मैं देख लूं क्या ये जीरो के इक्वल है आर डॉट वी। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, आर डॉट वी अगर देखो कॉस ओमेगा टी है माइनस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ओमेगा कॉस का कॉस कर दूं एक बार। अरे भाई रे भाई, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो डॉट कैसे मल्टीप्लाई करते, आई का आई जे का जे, तो एक्स का एक्स, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कॉस ओमेगा टी, इधर कॉस ओमेगा टी और नीचे इधर माइनस माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब वाई का वाई मल्टीप्लाई करो तो उधर है प्लस साइन और इधर है ओमेगा, तो प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी एंड दैट आल इक्वल टू जीरो, तो कट कुट के ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आर डॉट बी आपस में जीरो के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन, ठीक है। ये कहता है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होने के चांस है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर। बी ऑप्शन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये इसको तो मैं कभी सही मान कभी कभी मतलब कोई भी टाइम कोई भी दुनिया में सही नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल बकवास है, गलत है।
तीन बच गए और तीनों को आप दोबारा चेक करते हैं। दोबारा चेक करने के लिए हमें इसका एक्सलेशन निकालना पड़ेगा और एक्सलेशन की हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब एक्सलेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो आपको सबसे आसान तरीका है एक्सलेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए। अब देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो वेलोसिटी है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, चलो एक बार एक्सलेशन निकाल लेते हैं। एक बार एक्सलेशन यहाँ से एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा साइन का कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर एक्स का प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस का साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर वाई का। अब माइनस साइन माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच गया कॉस ओमेगा टी एक्स कैप और प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पोजीशन वेक्टर दैट इज एक्सलेशन वेक्टर। तो एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोजीशन वेक्टर। नहीं समझ में आया, इसका एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोजीशन वेक्टर। अब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इसका देखो अगर पार्टिकल समझो, इसको अगर पार्टिकल पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है एक्स कैप है और साइन ओमेगा टी है दैट इज वाई कैप है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ बट आपको ठीक है कि डायरेक्टेड है एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डायरेक्टेड यहाँ ए जो है एक्सलेशन इज टुवर्ड द ओरिजिन, एक्सलेशन इज टुवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से मेजरमेंट है। ठीक है, और जब पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सलेशन है वो निगेटिव है। आप यहाँ से समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक्स एंड वाई अगर इनको मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन आ गया। अब ये जो है वो एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है भाई, जो पार्टिकल कैसे चल रहा, सर्कल में चल रहा है यार, पार्टिकल सर्कल में चल रहा है जिसकी रेडियस वन है। तो अगर सर्कल में चल रहा तो रेडियस वन है तो हमेशा जो एक्सलेशन है वो सेंटर की तरफ ही होगा और जो वेलोसिटी है वो हमेशा जो है वो इसके जो वेलोसिटी है वो एक्सलेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सलेशन अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो वेलोसिटी है वो एक्सलेशन के परपेंडिकुलर है और एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर सर्कल में चल रहा है यार। चलो, तो ये जो है वो अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है जो हम ऐसा काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये देखो ट्राई करो। एक वेक्टर ए है और बी है, वो दोनों ऑर्थोगोनल हैं। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं यार, ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं यार। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं दे आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, किस टाइम वो परपेंडिकुलर है। चलो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम सबको पता है उनका डॉट जीरो होता है। अगर मीन का डॉट जीरो है तो ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। भाई ए डॉट बी मस्ट बी, ये भी और ये भी, तो ये भी और ये भी डॉट जीरो ले लो। अब इनका डॉट निकालोगे तो एक बार इनको लिख लो। ठीक है, एक बार इनको लिख लो तो जैसे थोड़ा आपको समझ में आए, ये कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ए को कॉपी कर दिया, डॉट लगाया, बी को कॉपी किया। ठीक है, बी क्या है, कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो अगर ऑर्थोगोनल है तो। ठीक है, चलो
अब आपको आई क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालने आता होगा, आई का आई, जे का जे, कॉस ओमेगा टी का आई ये है, ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बाई टू, आई का आई प्लस जे का जे, साइन ओमेगा टी प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टी बाई टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ से आ गया एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, यहाँ लगेगा ट्रिग्नोमेट्री की, कि कॉस ए प्लस है ना कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस माइनस है ना प्लस साइन ए और साइन बी, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। चलो तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी ए और माइनस ओमेगा टी बाई टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो के इक्वल हो गया। अगर ये जीरो के इक्वल हो गया इसका मतलब ये हुआ कॉस जीरो तभी हो सकता है जब कॉस पाई बाई टू हो, 90 हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, यह है, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। अब यहाँ से ओ हमें टाइम निकाल लो, जब ये ऑर्थोगोनल हुए हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा टी अपन टू दैट इज पाई बाई टू, तो टू ने टू को, तो टी इज इक्वल टू पाई अपन ओमेगा, टी इज इक्वल टू पाई अपन ओमेगा, ये हुआ टाइम है जब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दे आर वेरिएबल वेक्टर टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, और ये कि स्पेशल टाइम पे, ये जो स्पेशल टाइम है इस टाइम पे ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये बता रहा है। चलो ये देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है, अगर ये r इज इक्वल टू फोर साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी है, तो इसमें से हमें फिर वही है ऑप्शन बताना है, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ आर इज इक्वल टू फोर साइन टू पाई टी आई कैप प्लस फोर कॉस टू पाई टी जे कैप, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली देखो अब यहां से हम पाथ निकाल लेते हैं, पाथ क्योंकि हमें पाथ यहां से ऑप्शन में दिया हुआ है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्कुलर होगा, क्या पाथ सर्कुलर होगा, तो पाथ कैसे निकालते हैं किसी पार्टिकल का, ठीक है, तो पाथ कभी भी निकालना हो तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी 4 sin 2πt, ठीक है। अरे भैया आर को ऐसे ही तो लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो है पोजिशन वैक्टर, ठीक है, तो ये एक्स इतना हो गया और वाई आ गया 4 cos 2πt। अब इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर पाई 2πt, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 2πt। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई 2 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ गया जो फाइनल इक्वेशन आ गया इसके पाथ का, इक्वेशन इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो एक सर्कल का है, वो इक्वेशन सर्कल का है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस 4 मीटर है ना, जिसकी रेडियस 4 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो एक सर्कुलर मोशन का है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है, ठीक है, और उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो 4 मीटर है। तो पहला जो हमें रॉन्ग निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें से गलत कौन सा है, तो जो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, तो ये वाला तो सही है, ठीक है, लेकिन हमें गलत चूज करना है। एक्सलेशन वेक्टर इज अलोंग द माइनस आर, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल हमने प्रूव कर दिया कि सर्कल में चल रहा है, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल, हमने प्रूव कर दिया कि जिसका ओरिजिन पे सेंटर है और जिसका रेडियस आर है, तो एक्सलेशन हमेशा, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, तो पोजिशन पार्टिकल टाइम डिपेंड वाई स्टेटमेंट, ठीक है, द एक्सलेशन वेक्टर इज अलोंग
माइनस आर, ठीक है। तो एक्सलेशन अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूसीएम चेंज हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में नहीं बदल रही है, तो वो उसका जो जो एक्सलेशन है ए सी वो सेंटर की तरफ है, मतलब ये जो एक्सलेशन है वो अलॉन्ग द आर है, वो भी सही है। अगर ए इस एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन है वही गलत है, और अगर वो गलत है तो वही सही है, क्योंकि रॉन्ग निकालना है, ठीक है। ये जो एक्सलेशन होता है वी स्क्वायर ओवर, ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, जो सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े उनको नहीं बुझाएगा, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, निकाल दूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वैसे तो क्वेश्चन हो गया है, पर अगर वेलोसिटी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वेलोसिटी निकाल लो यहाँ से, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। 4 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा 2 पाई साइन का आ जाएगा कॉस 2 पाई टी आई कैप, और माइनस कॉस का 2 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप, ठीक है। कुल मिला के जो वेलोसिटी वेक्टर बना वो बनेगा 8 पाई कॉमन आ जाएगा, और कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप, ठीक है। तो ये क्या है यार, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है यार, दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। इसका मैग्नीट्यूड लोगे, बी मॉड लोगे तो 8 पाई का स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई का स्क्वायर अंडर रूट, और ये जब अंडर रूट जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई आता है ना, कॉस स्क्वायर कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस साइन 2 पाई टी का स्क्वायर, ठीक है। ये जब ये करोगे, ठीक है, ये करोगे तो ये 1 हो गया यार, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आ जाएगा 8 पाई इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब क्या 8 पाई वेलोसिटी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, नहीं, इसने 8 दिया हुआ, पाई उड़ा दिया है, ठीक है, यहाँ से पाई उड़ा दिया है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो गलत है, ठीक है। चलो, कहता है ये शिप इज मूविंग टुवार्ड द वेस्टवार्ड, समझना, एक शिप जो है वो वेस्ट में जा रही है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ठीक है, और मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। अगर आप इसको ए सी पी इज मूविंग टुवार्ड वेस्टवार्ड, चलो पहले ओरिजिन बना लो, ये यहाँ पर एक शिप है टी इज इक्वल टू 0 पे, मान लिया वो वेस्ट में जा रही है, इधर जा रही है, और विद 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड बी नाम की शिप है जो साउथ में है यहाँ पे, जो कि यहाँ से 100 मीटर नीचे है, 100 किलोमीटर है, तो बी शिप यहाँ है, ठीक है, और वो नॉर्थ में जाएगी, ऊपर जाएगी। कहता है कितने टाइम बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, हाउ मच टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट, ठीक है, कितने टाइम बाद उनकी जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगी, समझना, क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है। 100 मीटर है, ये भी 10 से चल रही है, ठीक है, तो ये भी 10 से ही जा रही है, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और ये डिस्टेंस 100 मीटर का दिया हुआ है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो शिप बी है वो ऊपर जा रही है, और ये शिप यहाँ से चली थी टी इक्वल टू 0 पर यहाँ थी, तो कितने टाइम बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो इसको करने के कई तरीके यार, कई मेथड है, ठीक है। तो जो मैं सबसे आसान है पहले उसको बताता हूँ, फिर एक दो और बताता हूँ, फिर आप इसको समझ लेना, जो आपको अच्छा लगे उसे फॉलो करना। थियरी में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि तीनों मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी का। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो ये वाली है शिप जो ए है उसको मैं वी ए बोलता हूँ वेलोसिटी, और इसकी शिप की वेलोसिटी बी बी है। सिंस वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उस जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो भी कांस्टेंट होगा,
इसका मतलब ये हुआ एक्सलेशन जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अब इसका अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा, स्पेस में वेक्टर बनाऊंगा, तो मान लो स्पेस में वेक्टर बनाओगे तो मान लो ए तो उधर ही है, ठीक है भाई, इसका ट्रायंगल रूल लगाओगे, ए प्लस माइनस बी बी ट्रायंगल रूल लगाओगे, ठीक है। तो ए बी बी, तो मुझे इस पे अगर मैं ट्रायंगल रूल ला, इन तीनों का वेक्टर में एक ट्रायंगल रूल बनाता हूँ, तो इस ट्रायंगल रूल के हिसाब से, ठीक है, इस वेक्टर को, ये तीनों वेक्टर को मैं स्पेस में ड्रा करता हूँ और ट्रायंगल रूल लगाता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इधर ही है 10 मीटर पर सेकंड, ओरिजिन से 10 किलोमीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, ऊपर है जो कि पॉजिटिव है, तो नीचे मैं कर दूँ ये माइनस 10 इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब मैं इधर अगर इधर यहाँ से इस ए को मैं उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ से मिलाऊंगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है और ये वेलोसिटी माइनस बी है और ये वेलोसिटी जो कि नीचे है और ये वेलोसिटी ए है, ये तीनों वेक्टर, ये जो तीनों वेक्टर थे वो यहाँ दिखने लगे। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है और ये है वेलोसिटी ऑफ बी का अपोजिट माइनस बी और ये ए है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आ जाओ अब, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि इधर की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी स्ट्रेट लाइन है। ऐसे क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, इस डिस्टेंस से बी से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस डिस्टेंस से। अब जो थ्योरी पढ़े नहीं है, जो मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ये कि पेशेंस रखो, ठीक है, और भी मेथड बताता हूँ। ये बी से रिलेटिव वेलोसिटी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी पता चल जाएगा, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो डिस्टेंस डी निकाल लो, हमें पता है कि ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना होगा 45, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी की वैल्यू कितना होगी, ये 100 है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये आ गया 100 साइन 45, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, समझना इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 100 साइन 45, और इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, भाई दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, ये और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 10² + 10² अंडर रूट, मतलब 10√2 है ना, 10√2, इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएगा 10√2, तो 10 नेट, एक 10 को 10 को ख़त्म कर दिया और ये 10/2 मतलब 5 आवर, 5 घंटे बाद इनका जो टाइम होगा वो मिनिमम होगा, उस वक्त डिस्टेंस मिनिमम होगी और उस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू 100 sin 45 होगी, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। और भी तरीके देखो, एक तरीका मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है, इसको हमने किया रिलेटिव वेलोसिटी, अब हम करते हैं इसको सेकेंड मेथड मैक्सिमम मिनिमा से, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो t = 0 से जो है वो ओरिजिन से चला था, t = 0 से ये वाला ओरिजिन से चला था और ये यहाँ से t = 0 से 100 किलोमीटर नीचे से ऊपर जा रहा था, b यहाँ था और a यहाँ था। मान लो t टाइम बाद इनका पोजिशन बदल जाएगा, बिकॉज इनका पोजिशन बदल रहा, टी टाइम बाद ये पार्टिकल, ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया मान लो, ठीक है ना, डी वाला यहाँ आ गया, तो अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो डी है और डी एक डिस्टेंस है, अब ये शॉर्टेस्ट कब होगा उसका कंडीशन है, ठीक है, डी एक्स डिस्टेंस है किसी टी टाइम बाद, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10t, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये भी हो जाएगी 10t, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 - 10t,
ठीक है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी टेन टी का स्क्वायर प्लस 100 और माइनस टेन टी का स्क्वायर और यह आ जाएगा अंडर रूट, दैट इज द d। ये अब मैक्सिमम मिनिमम कोई भी डिस्टेंस d है, अब d देखो d मिनिमम कब होगा, ठीक है d मिनिमम कब होगा, ठीक है d मिनिमम होगा जब डिफरेंशिएशन ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये d स्क्वायर नहीं लिखेंगे भाई ये d और d d स्क्वायर नहीं लिख देना, ठीक है वो गलत हो जाएगा, ये d और d का स्क्वायर नहीं है, ठीक है तो वो यहाँ d। अब d बाई dt इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है जब रखोगे इसका डिफरेंशिएशन तो ये d जो है, ठीक है इसका डिफरेंशिएशन मिनिमम होगा d। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 10t का स्क्वायर प्लस 10t का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t का स्क्वायर, ठीक है अंडर रूट, दैट इज ऑल इक्वल टू जीरो। ठीक है तो ऑल इक्वल टू जीरो, अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब जिसको डिफरेंशिएट करने नहीं आएगा वो कैसे सॉल्व करेगा यार, तो ये रूट हटा दो, ठीक है उधर जीरो है तो रूट हटा दो। तो ये 10t का स्क्वायर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे 10t को तो यह आ जाएगा 20t, ठीक है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ प्लस। अब ये इसको पूरा चेन रूल लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो, 2 सामने आ गया और यह आ जाएगा 100 माइनस 10t, ठीक है और फिर इसके अंदर 10 भी है वो भी डिफरेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस, दैट इज ऑल इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको खोल के डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो कर लो, खोल लो इसको, स्क्वायर को खोल दो, ठीक है और उसके बाद डिफरेंशिएट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो ये आ जाएगा 20t, ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा 20 कॉमन ले लो, यहाँ से 0 0 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2t और प्लस 20 भी कॉमन आ गया ना तो t, तो यहाँ से टी बचा 20 और यहाँ से बचा 2 और 0 बचा, इधर बचा 10 माइनस और 10t और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि टी प्लस टी माइनस 10 माइनस प्लस टी दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज टी इज इक्वल टू 5 आवर बाद वह टाइम है, ये वो स्पेशल टाइम है जिस टाइम डिस्टेंस मिनिमम हुआ है, ये वो स्पेशल टाइम है जिस टाइम डिस्टेंस मिनिमम हुआ है। अब कभी कभी पूछ देता है कि मिनिमम डिस्टेंस निकालो, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला तरीका है यही ऐसे ही अपनाना। अब तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे, इस टी को ले जाके इसमें रखोगे। अगर इस टी को इसमें रख दोगे तो ये जो डी है वो स्पेशल डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है तो 5 पावर जो ऐसे। और तीसरा तरीका है, बहुत सारे बच्चे जो है एक फार्मूला है थर्ड मेथड, अगर आपको फार्मूला एक याद है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो डिस्टेंस मिनिमम होता है दैट इज पोजिशन वैक्टर, इनिशियल पोजिशन वैक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल क्रॉस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मॉड, ठीक है वेक्टर, ठीक है क्रॉस और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मैग्नीट्यूड। अगर ये आपको डिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो ये भी आपको मिनिमम डिस्टेंस निकाल के दे देगा। और अगर मिनिमम टाइम है तो ये है पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अनदर डॉट वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस साइन। डॉट वैसे भी स्केलर होता है, ठीक है पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अदर डॉट वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अदर और ये। अब इसको डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे, इसको डायरेक्ट लगा दो, देखो मैं कैसे लगाता हूँ, ठीक है अब जब पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है जब t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है t इज इक्वल टू 0 पे और दूसरा वाला यहाँ है 100 मीटर पे है t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ से ये इधर जाएगा ये ऊपर जाएगा, क्लियर है।
तो ये जो 100 किलोमीटर है इस पे, अब मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर निकालूंगा मैग्नीट्यूड, तो पोजीशन वेक्टर वन आप फिर रिस्पेक्ट टू अदर किधर आएगा यार, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा, जो कि निगेटिव है, ठीक है, जो कि ए निगेटिव है, तो ये पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा 100, भाई एक यहाँ एक यहाँ है, तो पोजीशन वेक्टर 100 आ गया है, तो टाइम मिनिमम जो है 100 निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव माइनस साइन इग्नोर कर दो, या निगेटिव जो है अब वेलोसिटी, हाँ ये पोजीशन वेक्टर डाउनवर्ड आ गया, अब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, वेलोसिटी ऑफ एक इधर जा रहा है समझना और एक इधर आ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर v1 माइनस v2, अभी हम लोग निकाले थे इधर आया था, और मैग्नीट्यूड में कितना भाई, ये 10 है, तो इसकी वेलोसिटी 10 ऊपर है, तो ये 45 है, ठीक है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी भाई, 10√2 आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगा 10√2, तो वेलोसिटी ऑफ वन इसकी मैग्नीट्यूड 10√2 आया, और जो ये पोजिशन वैक्टर नीचे आया, तो इन दोनों के बीच का जो वैक्टर एंगल है वो 45 है, ठीक है, और 45 है तो वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है, तो ये 0 और ये माइनस, माइनस साइन, उस माइनस साइन को इग्नोर कर दो टाइम, ठीक है, तो ये कुल मिला के रखो पोजीशन वेक्टर 100 डॉट 100 और वेलोसिटी 10 और कॉस 45 और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 10√2 का स्क्वायर, ठीक है, 10√2, अरे आया समझ में भाई, भाई वेलोसिटी वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर जो है 10√2 रख दिया, ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट, एक लाइन में सोल्यूशन आ जाएगा, √2 10 और कॉस √2 1 एंड दैट इज 100 और ये 100 और मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 2, तो 100 ने 100 को और 100 ने 100 को, ये 2 ने 2 को, दैट इज 5 आवर, ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको तीनों मेथड ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो ठीक है, वीडियो पॉज करो और देखो, सॉल्व करो, देखो तुमसे होता है, ठीक है, ये कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को बच्चों हम फायर करते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन हम अलग अलग प्लेनेट पे करते हैं, एक को किसी और प्लेनेट पे करते हैं, दूसरे को किसी और प्लेनेट पे करते हैं, अब दोनों का जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ, वो सेम है यार, पाथ इज सिमिलर, सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, एंगल अलग अलग, एंगल सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, बट प्लेनेट अलग होने से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, तो अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगा, तो वही तो पूछ रहा है कि उस प्लेनेट पे कितनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, वो हमें निकालना है, उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे कितनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो हमें निकालना है, इसको हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो y इज इक्वल टू x tan theta माइनस zx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x tan theta माइनस zx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, अब दोनों पार्टिकल जो एक 3 से प्रोजेक्ट हो रहा है और एक 5 से प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, पहला वाला 3 से और दूसरा वाला, पहला वाला 5 से दूसरा वाला 3 से, चलो तो अब जो दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम है, वाई वन और वाई टू बराबर है, तो इन दोनों के लिए ट्रेजेक्ट्री सिमिलर, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया, ट्रेजेक्ट्री इज सिमिलर आइडेंटिकल, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा हर पॉइंट पे, ठीक है, तो एक्स टैन थीटा माइनस जी वन
यू वन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो ये आ जाएगा ठीक है जी, और टू यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू दूसरे वाली की ट्रेजेक्ट्री के इक्वल होगा, तो एक्स टैन थीटा माइनस, देखो एक्स टैन थीटा माइनस ये जी, और जी टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यार देखो ट्रेजेक्ट्री सेम है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट किसी भी इंस्टेंट सेम है ऐसा क्वेश्चन में बताया गया, तो एक्स टैन थीटा ने एक्स टैन थीटा को, माइनस ने माइनस को, कॉस स्क्वायर ने कॉस स्क्वायर को, टू ने टू को एक्स एक्स, तो बचा क्या यार, तो बचा जी वन यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू जी टू यू टू स्क्वायर, ठीक है। अब हमको चाहिए जी टू, जी जो है पहले वाले पे ए प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द सरफेस आवर जिसकी वेलोसिटी 5 थी वो अर्थ पे था, मतलब पहले वाले को मैं अर्थ ले लूँ तो मुझे जी टू चाहिए, तो जी टू की वैल्यू जो आ जाएगी, जी टू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी वन मल्टीप्लाइड बाई यू टू का स्क्वायर अपॉन यू वन का स्क्वायर, तो जी 9.8 और दूसरी वाली वेलोसिटी थी 9 और ये 25, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी टू, इसको सॉल्व कर लेना ये आ जाएगा 3.5 ये आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 3.5, दैट इज ए ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट पोजीशन कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका पोजीशन बदलेगा ही यार, ठीक है, तो पोजीशन बदल रहा है लेकिन इस तरह से बदल रहा है कि टी टाइम ये टी इज इक्वल टू जीरो पर और 2 सेकंड बाद यहाँ पर है, पार्टिकल में सर पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जितना है टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू जीरो जितना है टाइम टाइम फाइव एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू 5 सेकंड, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर देखो टी इज इक्वल टू जीरो पर कोऑर्डिनेट कहाँ था, यहाँ पर था t इक्वल टू जीरो पर ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, t इक्वल टू जीरो पे कोऑर्डिनेट यहाँ था और 6.7 कोऑर्डिनेट है टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे, हमें इसे मतलब नहीं है बीच में क्या हुआ, हमें इसे मतलब नहीं है, 5 सेकंड पर यहाँ पर है। चलो ये एक बार इसको समझ लो, एक पार्टिकल यूं चल रहा है, यहाँ पर था जब टाइम जीरो था तो उसका कोऑर्डिनेट था 2.3, जब टाइम 5 सेकंड बाद हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 सेकंड बाद 13.14, क्योंकि हमें जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बच्चों तो हमें बीच में इंटरमीडिएट क्या हुआ वो हमसे मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल यहाँ था बीच में t इक्वल टू जीरो पर कहीं था, मैं ये वाली लाइन मिला दूँ तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर क्यों डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ठीक है चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, भी एवरेज जो होती है भी एवरेज दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा टाइम दिया हुआ 5 सेकंड के इंटरवल, ठीक है, बीच में क्या हुआ कहाँ गया हमें इससे मतलब नहीं है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो, ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका इनिशियल आर वन और ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका आर टू, ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना आया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर आ गया प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा आर टू माइनस आर वन, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, और आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आता होगा, यहाँ आर टू इज इक्वल टू 13i कैप माइनस प्लस 14j कैप, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बोलो 13i कैप प्लस 14j कैप और माइनस साइन कहाँ से, माइनस करने की वजह से, घटाने की वजह से इसमें आया, सब्सट्रैक्ट करने की वजह से माइनस 2i कैप और प्लस 3j कैप, सब प्लस में ही दिया है, तो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ गया, तो अब 13 में से 2 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 11i कैप और प्लस 14 में से 3 को घटाओगे तो ये भी 11j आ जाएगा, तो दैट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वेक्टर में ही दिया है, तो वेक्टर में दिया है तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर 11 कॉमन ले लिया जाए और i प्लस j बीच में बच गया, ठीक है ना, क्लियर है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी एवरेज वेक्टर में जब आएगा तो वेलोसिटी एवरेज जो वेक्टर बनेगा 1/5 और यह आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आई प्लस जे। कुल मिला के डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ये वाला क्लियर है। ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया था, इसका कोई मतलब ही नहीं था यार, ठीक है। ये जो टू इंटरमीडिएट टू पोजीशन वेक्टर है वो हमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल से फाइनल देखते हैं, बस इतनी सी बात भाई, ठीक है। चलो ये एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको कभी समझ में नहीं आता है कि जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में लैंड करता है तो वहाँ वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। चलो अगर प्रोजेक्टाइल आइडियल प्रोजेक्टाइल है, एयर है, वैक्यूम है, तो हमें वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग निकालना है। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक देता हूँ यहाँ से, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वैक्यूम है, सब कुछ आइडियल है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी यू से मैं फेंका था तो यहाँ आ जाएगा यू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर था, और ये आ जाएगा यू साइन थीटा। जब पार्टिकल लैंड करता है, आपको पता है ये वाली वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है, तो ये यहाँ पर जो वेलोसिटी लैंडिंग पॉइंट पे होती है वो यू कॉस थीटा होती है, और ये वाली वेलोसिटी डायरेक्शन में बदल जाती है, यू साइन थीटा ऊपर था, यू साइन थीटा नीचे था, पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है। कुल मिला के एक्स एक्सिस से माइनस थीटा डिग्री पे, ठीक है, ये प्लस थीटा और ये माइनस थीटा डिग्री पे लैंड करता है, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, ठीक है, ये तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि अगर अगर देखो अगर ये 2i कैप प्लस 3j कैप है, तो जो 2i कैप है वो कभी नहीं चेंज होगा प्रोजेक्टाइल में, x एक्सिस में, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में x एक्सिस में कभी भी वेलोसिटी नहीं बदलती है, ठीक है। मतलब 2i ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, और मतलब y एक्सिस में, मतलब ये गलत है, y एक्सिस में ये सेम ही है, इसमें ये और ये तो सेम ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। कहता है ए हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है भाई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, इक्वल है, तो थीटा कितना होगा। अब चलो इक्वेट करो, किसको किसको इक्वेट करोगे भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। रेंज का क्या फार्मूला होता है बोलो, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी होता है, और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा अपने, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इसको इतना लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जो हाइट है वो u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ठीक है, क्योंकि मैं काटूंगा फ्यूचर में, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करके थीटा निकाल लो, ये दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन कहा जा रहा है, ठीक है, तो बराबर है तो बराबर करो इनको, तो बराबर करोगे, इक्वेट करोगे तो जी ने जी को, यू टू ने टू को, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को, नहीं भाई, हाँ इक्वल करोगे तो, इक्वल करोगे तो यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को, जी ने जी को, आ जाएगा 4, और एक बार कर दूँ कि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख दूंगा, बड़े के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, 2 sin θ cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा sin थीटा, और ये sin थीटा, ठीक है ना, अपॉन 2, जी ने जी को, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को खत्म कर दिया, sin थीटा ने sin थीटा को, ठीक है ना, तो ये 2 ये आ जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू उधर साइन थीटा अपन टैन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी टैन इनवर्स 4, है ना, ये एक स्पेशल एंगल है, VIP एंगल है, ठीक है, ये एक ऐसा एंगल है कि अगर इस एंगल पर फेंक दोगे, ठीक है, तो एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट होगा, अच्छा वाला इंसिडेंट होगा, ठीक है, कि ये अगर 100 meter हुआ, मान लो ऐसा, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट भी 100 meter ही हुआ, दैट पर्टिकुलर एंगल इज थीटा,